नमस्कार न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। आज हम आपको अजमेर के ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताएंगे जिसमें वह काफी मंदिर पुराना है। आपको बता दें जी हम बात करते हैं अजमेर की अरावली पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर की, जहां पर हर समय भक्तों का यानी भीड़ का सैलाब देखा जाता है। हर दिन वहां पर यात्री देश देश से वहां पर दर्शन करने के लिए माता के आते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और यह मंदिर कितने साल पुराना है? जी हाँ, शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें इस मंदिर की स्थापना यानी पृथ्वीराज चौहान ने की, जो यह मंदिर 1160 साल पुराना है। आपको बता दें जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए जाते थे लड़ने के लिए, तब इस माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद में वह युद्ध के लिए जाते थे। लेकिन इस युद्ध के दौरान वह बाकी में ही कई युद्धों में विजयी भी होते और यह मंदिर यह माता काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में कुंड है जिसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे गर्मी हो या बरसात या फिर कोई और मौसम हो, लेकिन इसका पानी खत्म नहीं होता। तो चलिए आज नजर डालते हैं इस मंदिर में कि क्या कुछ नया है और किस तरीके से इसमें आश्चर्यजनक कुछ चीजें शामिल है, दिखाते हैं अपने इस खास अजमेर की अरावली की पहाड़ियों पर स्थित चामुंडा माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन करने पहुँचते हैं। नवरात्रि पर मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इस मंदिर में पूजा अर्चना करते बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना 1160 साल पहले थी, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता को कुल देवी मानते थे। यह भी किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान माता के अनन्य भक्त थे। जहां मंदिर बना है उसी स्थान पर माता ने सम्राट को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध पर जाने से पहले माता के मंदिर में जरूर आते थे, जहां वो माता की विशेष पूजा अर्चना कर धोक लगाते थे। मंदिर प्रांगण में माँ गंगा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान और भैरव बाबा का भी मंदिर है। वहीं माँ गंगा के मंदिर में एक छोटा सा जलकुंड है। कहा जाता है कि यह जलकुंड कभी खाली नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंड से हजारों गैलन पानी निकाला जा रहा है, फिर भी यहाँ खाली नहीं होता। कुंड के पानी उद्गम स्थल की किसी को जानकारी नहीं। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर भक्त का दुख चामुंडा माता हर लेती है। माता के दरबार में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल माता के मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।